सुहागी ट्रेलर बस एक्सीडेंट में दोपहर 4 बजे तक 15 मौतें, 23 गंभीर हालत में युवक संजय गांधी अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती। उत्तर प्रदेश सरकार ने मृतकों को 2,00,000, गंभीर घायलों को 50,000 रुपए देने की घोषणा की। नेशनल हाईवे 30 में मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश की सीमा में लगे सुहागी पहाड़ के पास भीषण सड़क हादसे में अभी तक 15 लोगों की मौत, 40 से ज्यादा गंभीर रूप से घायल। 14 मौतें सुहागी में, एक मौत इलाज के दौरान रीवा के संजय गांधी अस्पताल में हुई। मिली जानकारी के अनुसार बस जबलपुर के रास्ते चलकर रीवा होकर इलाहाबाद जा रही थी। कटनी से बस में काफी लोग बैठे थे। ये सारे लोग उत्तर प्रदेश के लखनऊ और उसके आसपास अपने घर दिवाली की छुट्टी मनाने जा रहे थे। ये लोग सिकंदराबाद से आ रहे थे। हादसा देर रात हुआ। बस के आगे एक ट्रेलर जा रहा था, ट्रेलर किसी गाड़ी से टकराया, जिसकी वजह से ट्रेलर सड़क पर खड़ा हो गया। तभी पीछे से आ रही तेज रफ्तार बस में ट्रेलर को जोरदार ठोकर मारी। बस में आगे जितने लोग भी बैठे थे सबकी मौत हो गई। बस में लगभग 100 के आसपास सवारियां थी। घटना की सूचना पाकर SP कलेक्टर सहित कई थाने की फोर्स मौके पर पहुंच गई। बचाव कार्य जारी किया गया। घायलों को सुहागी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया था। गंभीर रूप से घायलों को रीवा के संजय गांधी अस्पताल लाया गया। रीवा जिला प्रशासन ने हेल्पलाइन नंबर जारी करते हुए कहा, हादसे की सूचना के बारे में जानकारी इस नंबर पर ली जा सकती है। वह नंबर है 7049122399 और 8319706674। हम आपको फिर से बता दें, ये जानकारी सुबह 10 बजे तक की है, जिसमें 15 लोगों की मौत हुई, 40 से ज्यादा लोग अभी भी गंभीर रूप से घायल हैं। इस बारे में हमने कलेक्टर रीवा SP रीवा चश्मदीद से बात की। हम आपको सुनाएंगे उन्होंने क्या कुछ कहा। सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि बस को उस हाईवे से बाहर कैसे किया जाए, क्योंकि लगभग 6-7 फीट वो अंदर चली गई थी और उसमें ड्राइवर और क्लीनर जो थे उनकी भी डेथ हो गई थी। हम लोगों ने विशेष प्रयास करके आसपास के इलाकों से क्रेन और JCB बुलाई थी। फिर जो हाईवा था उसमें बहुत सारा गिट्टी भरा हुआ था, जिसके कारण इतना हेवी था कि उसको मूव करना बड़ा मुश्किल था। तो हाईवा के पार्ट को तोड़ के और उस गिट्टी को पहले अनलोड किया गया, और अनलोड करने के बाद फिर उसको खींचा जा सका, जिसके बाद कि वो डेड बॉडी बाहर का सकी। लेकिन इस बीच में हम लोगों ने दरवाजे और खिड़कियों को तोड़ के और सभी घायलों को निकाल के और त्योथर अस्पताल भेज दिया था। और इस बीच में आसपास के इलाकों से जितने भी एम्बुलेंसेज उपलब्ध है 108 के, वो सारे हमने बुला लिए थे। और लगभग 10 एम्बुलेंसेज में सभी घायलों को प्राइमरी ट्रीटमेंट करके संजय गांधी मेडिकल हॉस्पिटल ले आए। तो अच्छी बात ये रही कि जो ऑन स्पॉट बॉडी की डेथ हुई थी, जो बसों के अंदर, बस के हाईवा के अंदर जाने के कारण, उसके अलावा जो लोग थे उनमें से किसी की डेथ नहीं हुई थी। और एक जो बहुत ही ससेप्टेबल था, जिसको कि सबसे पहले निकाला गया था और उसमें से आपके कुछ साथी भी साथ में थे उस समय मौके पे, उसकी संभावना थी कि उनकी डेथ हो जाएगी, तो वो यहाँ ब्रॉड डेथ लाए गए थे। बाकी इसके अलावा जितने भी घायल भेजे गए थे वो सभी ठीक हैं। टोटल 15 हो गई है संख्या। जो आपको बताया था कि जो एक बहुत ही सीरियस था, जिसको कि हम लोगों ने गिट्टी हटा के उसमें से भीतर से निकाल के भेजा था, उनकी रास्ते में डेथ हो गई थी। तो वहाँ मौके पर जो हम रात में हम लोगों ने 14 का फिगर आपको बताया था, एक फिगर और बढ़ गया है, तो 15 लोगों। सर, बस कहाँ से कहाँ जा रही है? बस हैदराबाद से गोरखपुर बांदा की तरफ जा रही है। ये सारी चीज़ें अभी मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश सरकारों के बीच में तय हो रहा है, और सभी को शासन के नियमों के अनुसार जो सहायता है वो पूरी दी जाएगी, और इलाज यहाँ निःशुल्क कराया जा रहा है, उनको भेजने की व्यवस्था की जा रही है। यहाँ पे ढाबा पे हम लोग खाना में नाश्ता वास्ता किए, नाश्ता करने के बाद गाड़ी पे चढ़े हम लोग। गाड़ी वहाँ से आज ठीक चली, बीच में आने के बाद गाड़ी का जो गियर होता है, गियर नहीं लग रहा था, गाड़ी ऑन कंट्रोल हो गई। कितने लोग बस में चले? बस में लगभग 100 के आसपास। हादसा कैसे हुआ? हादसा तो ब्रेक न लगने के कारण डायरेक्ट हादसा हो गया।